Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. In my YouTube channel, the areas to be covered are civil engineering, GATE previous year questions, ESE previous year questions, and many more. If you like the videos, then like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है सर्वेइंग। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ग्रेड के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें जो सिलेबस है हमारे पास, ये है इसका सिलेबस ग्रेड का। इसमें जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो हमारे पास है, फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ सर्वेइंग, सेकेंड है थेडोलाइट कंपस ट्रावर्स सर्वेइंग एंड ऑमिटेड मेजरमेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास लेवलिंग एंड कंटूरिंग, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग एंड कर्व्स, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे टेकोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग। हम पिछले चैप्टर में हमने किए थे सर्वेइंग के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, तो उसमें हमने 9 न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर लिए थे, तो ये 10th न्यूमेरिकल है। ठीक है, 10th न्यूमेरिकल क्या कहता हमारे पास, स्क्वेयर एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद साइड 100 मीटर एंड यूनिफॉर्म हाइट appears as 1 centimeter square on a vertical aerial photograph. The topographic map shows that a contour of 650 meter passes through the area. If the focal length of the camera lens is 150 mm, the height from which the aerial photograph was taken is, ठीक है, इसमें ये क्या बता रहा है, हमारे पास एक स्क्वायर एरिया है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर एरिया है। ठीक है, जिसकी एक साइड दी है हमारे पास 100 मीटर। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म हाइट अपीयर्स एज 1 सेंटीमीटर ऑन वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म हाइट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, किस पे, ऑन वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ पे। ठीक है, द टोपोग्राफिक मैप शोज दैट द कंटूर ऑफ 150 मीटर, ठीक है, एक कंटूर है जिस कितना 150 मीटर जो पास कर रहा है थ्रू द एरिया से। ठीक है, तो ये 150 मीटर है, यानी ये क्या है, एच है। ये तो फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा लेंस इज 150, ये क्या है 150 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा एफ। ठीक है, द हाइट फ्रॉम विच द एरियल फोटोग्राफ वॉज टेकन, वो हाइट हमने निकालनी है जहाँ से फोटोग्राफ लिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम सोल्यूशन देखेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास जो है एक्चुअल एरिया कितना होगा, एक्चुअल एरिया हमारे पास होगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया, जिसकी साइड दी है 100 mm, तो हमारे पास एरिया क्या होता है, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर, यानी साइड दी है हमारे पास 100, तो 100 का स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स 100 × 100। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 10000। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10^4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये है एक्चुअल एरिया। अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें एरिया ऑन द मैप। ठीक है, मैप पे कितना एरिया होगा, तो मैप पे एरिया कितना होगा हमारे पास, हमारे पास कितना एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैप का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मीन्स इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10^-4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो
ये जो डायमेंशन है इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीका है। वो क्या है, वो याद रखने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो है किंग्स हेनरी डाइड मदर डिड नॉट केयर मच। ठीक है, तो ये एक हमारे पास तरीका है, के है इसको याद रखने का तरीका हमारे पास, किंग्स एच आ गया, हेनरी डी फार डाइड एम फार मदर डी फार डिड, ठीक है, नॉट सी फार केयर एंड एम फार मच। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, किंग्स हेनरी डाइड मदर डिड नॉट केयर मच। ठीक है, इसका जो पहला पहला वर्ड है वो हम लिख लेंगे, जैसे किंग्स के एच हेनरी का, ठीक है, डी डाइड एम मदर का, डिड डी, ठीक है, केयर सी और एम आ गया मच। ठीक है, ये लिखने के बाद हमारे पास अब सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे है, ठीक है, इससे हमें क्या कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स यहाँ। ठीक है, तो अगर हम इस साइड जाएंगे, ठीक है, मतलब हम जाएंगे लेफ्ट वाली साइड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लेफ्ट वाली साइड अगर हम जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम राइट वाली साइड जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास है सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर टू मीटर। ठीक है, दैट मीन यहाँ पे 100। ठीक है, इसका मतलब 100 हमें क्या करना है, इसमें से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 1/100, यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/100 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10^-4 m². ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। तो ये है हमारे पास कैसे हम डायमेंशन को कन्वर्ट करें, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास निकल गई। नेक्स्ट हमारे पास दी है एलिवेशन ऑफ द सरफेस। ठीक है, एलिवेशन ऑफ द सरफेस, दैट मीन्स एच दिया हुआ है हमारे पास, एलिवेशन ऑफ द सरफेस एच दिया है 650 m, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा एफ दिया हुआ है 150 mm। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास जो है स्केल ऑफ द फोटोग्राफ, स्केल ऑफ द फोटोग्राफ किसके बराबर होगा, स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10^-4 बाय 10^4। ठीक है, इक्वल टू 1/10^4। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास स्केल का फॉर्मूला होता है, ये स्केल कैसे आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास स्केल जो होता है वो होता है स्केल इक्वल टू मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो मैप डिस्टेंस कितना है हमारे पास, हमने निकाला ऊपर 10^-, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो एरिया मैप एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया, मैप एरिया कितना है 10^-4 डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया कितना है 10^4। ठीक है, और यहाँ पे था स्केल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ मैप एरिया बाय ग्राउंड एरिया। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया इसका 1/10^4। ठीक है, आल्सो हमारे पास स्केल का फॉर्मूला होता है स्केल इक्वल टू एफ बाई h-h। ठीक है, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, ठीक है, एच इज द दिस कैपिटल एच, कैपिटल एच हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाफ
हाइट फ्रॉम द हाइट फ्रॉम विच एरियल फोटोग्राफ वॉज टेकन, मतलब जहाँ से एरियल फोटोग्राफ हमने लिया है वो हाइट, ठीक है। और स्मॉल एच क्या है हमारे पास, स्मॉल एच है एलिवेशन ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ऐसा हमने निकाला 1/10^4, दैट मीन्स 1/10^4 इक्वल टू फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है 150, 150 हमारे पास दी है एमएम में। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10^-3 डिवाइडेड बाय एच माइनस 650, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा टोटल, इसमें से एच हमने निकालना है तो ये एच हो जाएगा एच इक्वल टू 1500 प्लस 650 इक्वल टू 2150 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द प्लान ऑफ ए सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल ऑफ 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। किस स्केल में प्लॉट किया गया प्लान, प्लान किस स्केल में प्लॉट किया गया है, 10 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। इज रिड्यूस्ड इन सच ए वे दैट ए लाइन ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ मेजर्स 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले लाइन जो थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, अभी वो क्या है, नाउ लाइन कितनी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ द रिड्यूस प्लान इज मेजर्ड एज 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो हमारे पास एरिया है रिड्यूस प्लान का वो कितना है, वो हमारे पास है एरिया ऑफ रिड्यूस्ड प्लान, रिड्यूस्ड प्लान और मेजर्ड प्लान का एरिया है हमारे पास 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देन द एक्चुअल एरिया, ठीक है, हमने क्या निकालना है, एक्चुअल एरिया, तो हमने निकालना है एक्चुअल एरिया, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक्चुअल एरिया का फॉर्मूला है, एक्चुअल एरिया इक्वल टू एक्चुअल स्केल डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड स्केल का होल स्केल इनटू मेजर्ड प्लान एरिया इनटू स्केल का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। तो हमारे पास एक्चुअल स्केल कितना था, एक्चुअल स्केल हमारे पास था 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिड्यूस कितना हुआ, एक्चुअल कितना था हमारे पास 10 था, नाउ रिड्यूस कितना हुआ 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिड्यूस स्केल का स्क्वायर इनटू मेजर्ड प्लान एरिया, जो मेजर किया था प्लान एरिया वो कितना था 81 इनटू स्केल कितना था हमारे पास, स्केल था हमारे पास 10/1 सेंटीमीटर, 10 मीटर था, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1 का होल स्केयर, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा 10^8 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 10^8 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। इसको अगर हमने मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 10^4 मीटर स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 1 1 2 3 4 0, ठीक है। 10^4 का मतलब हो गया 1 और आगे 4 जीरोस, तो ये हो गया मीटर स्क्वेयर, ये है हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इसमें देखो हमने सेंटीमीटर स्क्वेयर से मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट किया, सेम फार्मूला इसमें लगेगा, पीछे वाला जो मैंने बताया था ट्रिक, किंग्स हेनरी
डाइड मदर डिड नॉट केयर मच, ठीक है, सेंटीमीटर है, ये वाला आ गया। ठीक है, अब हम इस साइड जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हमें डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, 100 से, ठीक है, अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1000, 1000 दैट मीन्स 10^4। ठीक है, तो 10^4 इसमें से माइनस कर देंगे हम 10^8 में से, ये बचेगा 10^4 मीटर स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 12th क्वेश्चन। द प्लान ऑफ ए मैप वॉज फोटो कॉपीड टू ए रिड्यूस साइज सच दैट ए लाइन ओरिजिनली 100 mm, ठीक है, 100 mm मेजर्स 90 mm। द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान वाज, ओरिजिनल स्केल कितना था, 1:1000, द रिवाइज स्केल इज, ठीक है। तो ये इसमें क्या बता रहा है कि एक प्लान, एक मैप था हमारे पास, ठीक है, उसको हमने फोटोकॉपी किया। ठीक है, उसको फोटोकॉपी हमने किया तो जो लाइन थी हमारे पास, जो हमारे पास दैट मीन्स ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी, 100 mm। ठीक है, जब फोटो कॉपी किया तो वही लेंथ कितनी होगी, श्रंक लेंथ वो होगी हमारे पास 90 mm। श्रंक लेंथ क्यों लिखा इसको, क्योंकि लेंथ क्या हुई, कम होगी। ठीक है, शंकर, द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान इज, ओरिजिनल स्केल जो प्लान का हमारे पास था वो क्या है, ओरिजिनल स्केल, जो ओरिजिनल स्केल था वो कितना था, 1/1000। ठीक है, तो हमने निकालना है रिवाइज्ड स्केल। ठीक है, तो रिवाइज स्केल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, एस एफ से भी हम इसको डिनोट करते हैं, श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बाय ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ कितनी थी हमारे पास, 90, ओरिजिनल कितनी थी, 100। ठीक है, तो ये श्रिंकेज फैक्टर निकल गया हमारे पास 0.9, इसको कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद हमने निकालना है रिवाइज्ड स्केल। ठीक है, रिवाइज स्केल किसके बराबर हो जाएगा, ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, ओरिजिनल स्केल हमारे पास कितना था, हमें पीछे देखा 1/1000। ठीक है, 1/1000 इंटू श्रिंकेज फैक्टर हमारे पास कितना निकला, 0.9। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आ गया 1.1111.11। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे करना है ये चीज, ये 1/10 ये लिखना कैसे है, हमारे पास ये है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि ये वाला कैसे आया। ठीक है, ये है हमारे पास 1/1000 इंटू 0.9। ठीक है, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखना है, ये हो जाएगा 0.9/1000। 1000 इस फॉर्म में लिखने के लिए से हमें क्या करना पड़ेगा, 1/1/0.9/100। ठीक है, तो इस चीज को हम जब करेंगे, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है,
इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।